to Sunny Seam's International School of Astrology. Join in and learn free astrology. परम पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी को नमस्कार करते हुए, इस लाल किताब को नमस्कार करते हुए, आज सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए, प्रमाण नंबर 6 में को जो का अगला पाठ कुंडली में ग्रहों के पक्के घर के बारे में बात करेंगे। पंडित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कुंडली के जरिए आपको सारी कहानी बयान की है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। खाना नंबर 1 में पंडित जी ने, आप देख सकते हैं कि उसके, अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, फरमान नंबर 6 में खाना नंबर 1 जो हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें कि पंडित जी ने खाने मुकर्रर कर दिए थे कि जो खाना नंबर 1 है वो मेष राशि है, खाना नंबर 2 वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इस तरह से टोटल 12 राशियाँ बन गई थी। तो जब भी कुंडली बनेगी तो खाना नंबर 1 में 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 7 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद वहाँ पे पंडित जी ने अब यहाँ पे फरमान नंबर 6 में राशियों के साथ ग्रह भी मुकर्रर कर दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो खाना नंबर 1 में मेष राशि है, वहाँ पे सूरज को मुकर्रर कर दिया है, और खाना नंबर, ये जो सूरज लिखा है ये इसका पक्का घर है, राशि मंगल की है, राशि का मालिक मंगल होगा, लेकिन जो उस घर में पक्का घर का मालिक होगा वो सूरज होगा। इसी तरह ही खाना नंबर 2 में राशि तो वृषभ शुक्र की होगी, लेकिन पक्का घर जो होगा वो गुरु का होगा। खाना नंबर 3 में जो राशि बुध की होगी, लेकिन पक्का घर मंगल का होगा। खाना नंबर 4 राशि भी चंद्र की है और पक्का घर भी चंद्र का ही होगा। इसी तरह से खाना नंबर 5 जो है राशि सूर्य की है, लेकिन जब हम पक्के घर की बात करेंगे तो वहाँ पे बृहस्पति को देखा जाएगा। खाना नंबर 6 जो है वो राशि बुध की है, लेकिन पंडित जी ने आगे जाके बताएंगे आपको कि पंडित जी ने राहु और केतु को, जो हस्तरेखा के बारे में आगे चर्चा करेंगे उसमें, राहु और केतु को वहाँ पर जगह मुकर्रर उनकी नहीं की है, लेकिन जो खाना नंबर 6 है वो राशि बुध की है, लेकिन वो घर जो होगा पक्का वो केतु का होगा। इसी तरह खाना नंबर 7 जो राशि का मालिक है शुक्र, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो राशि तो शुक्र की होगी, लेकिन वहाँ पे पक्के घर का मालिक बुध होगा। इसी तरह खाना नंबर 8 में जो राशि पड़ेगी वो मंगल की पड़ेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, लेकिन उस पर पक्का अधिकार जो होगा वो शनि का होगा। खाना नंबर 9 में राशि भी गुरु की है और पक्का घर भी गुरु को ही दिया गया है, क्योंकि ये किस्मत है, किस्मत जो है बंद मुट्ठी में बच्चा साथ लेके आया था। खाना नंबर जो 10 है वो शनि का है, इसलिए क्योंकि शनिश्चर जो है उनको कर्म फलदाता बोला गया है, इसलिए किसी भी पक्के घर को वहाँ पे जगह नहीं दिया, वहाँ पे शनिश्चर का राज है, अंधेरे का राज है, इसलिए वहाँ पे राशि का मालिक भी शनि होगा और पक्के घर का मालिक भी शनि गिना जाएगा। खाना नंबर 11 है जो शनि की राशि है, राशि शनिश्चर की है, लेकिन उस घर पर बृहस्पति का अधिकार दिया गया है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि खाना नंबर 11 है जो वो दुनिया का आगाज है, इसलिए धर्म की बैठक है। तो जब भी कोई भी इंसान ने जन्म लेना होता है तो फिर उसके कर्मों के आधार पर मुकर्रर किया जाता है इसको किस तरह का जन्म मिलेगा, इसलिए उसका अधिकार भी गुरु और हवा को दिया गया है। वहाँ पे खाना नंबर 11 का मालिक शनि होगा, लेकिन पक्का जो घर होगा वो बृहस्पति का होगा। इसी तरह खाना नंबर 12 जो है वो राशि तो गुरु की होगी, लेकिन पक्का घर है वो राहु का होगा, क्योंकि खाना नंबर 12 है जो वो आसमान है, तो आसमान जो है नीला है, इसलिए नीला रंग राहु से प्रेरित है, इसलिए उसको राहु को पक्के घर में जगह दे दी गई है। अब आपने जब भी लाल किताब को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इस चीज़ को अपनी दिमाग में रखना है कि पक्कियाँ राशि हैं और पक्के घर यहाँ पे मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो इस तरह से आप ऐसा समझें कि जैसे आपका घर है, जो उसकी ज़मीन है, ज़मीन का मालिक तो कोई और था जिससे हमने परचेज़ की है, फिर आगे हम अगर किसी को सेल करेंगे तो उसका मालिक कोई और बन जाएगा, लेकिन जब तक उसके ऊपर उस मकान पे कोई उसका घर का स्वामी रह रहा है तब तक वो पक्के घर का है। जब वो उसको बेच देगा तो वो उस घर का मालिक हट जाएगा, इस तरीके से
कि जैसे ग्रह आगे वर्षफल में अपने घर बदलते हैं, तो इसी तरह ये ग्रह है जो पक्के खाने के ग्रह वो तो वही रहेंगे, लेकिन ये जो ग्रह इसमें बैठेंगे वो आगे जा करके घरों के अंदर घूमेंगे, उसके बारे में हम वर्षफल में आपको समझाएंगे इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक चीज़ बता दी गई है कि जो राशियाँ हैं वो पक्की फिक्स कर दी गई हैं और जो ग्रह हैं वो भी पक्के फिक्स कर दिए गए हैं। अब इसमें एक आगे दिया गया है कि जो हथेली पर बुर्ज के पक्के घर, जो बुर्ज होता है उसको माउंट बोलते हैं। जिस तरह से कुंडली में ग्रहों के पक्के घर मुकर्रर कर दिए गए हैं, उसी तरह से हथेली के ऊपर भी पक्के घर मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये आपको आगे उसमें पता लग जाएगा जब आप देखोगे। वहाँ पे पंडित जी ने फरमान किया कि हर एक जो बुर्ज है उसकी हूबहू वही खाका तैयार कर दिया है जो ऊपर कुंडली में दिया है, जो हस्तरेखा में दिया हुआ है। तादाद में जो ग्रह दिए गए हैं वो 7 हैं, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, नेक और बद, चंद्र, बुध, शुक्र और शनिश्चर। मंगल, नेक और मंगल, बद को हम ये हस्तरेखा से देख सकते हैं। ये इस तरह इसको आप देखेंगे तो हस्तरेखा से आपको पूरी तरह से समझ लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पंडित जी ने क्या क्या कहा है। राहु और केतु को यहाँ पे जगह नहीं दी गई है, क्योंकि जो राहु और केतु है वो लहरों के मालिक हैं। एक ने इंसान को सिर से पकड़ा और दूसरे ने पाँव से। यहाँ पे पंडित जी ने बहुत अच्छा फरमान किया है कि जो इंसान का सिर है वो सबसे ऊपर है और इंसान के पैर हैं वो सबसे नीचे हैं, जिन पैरों के ऊपर खड़ा है इंसान। इसीलिए जो दिमागी लहरों का मालिक है, दिमागी खानों का मालिक, उसने राहु को बनाया है। और जो पाँव हैं, जहाँ से हमने चलना है, कर्म करने हैं, इधर उधर भाग दौड़ दुनिया में करनी है, इसलिए उसको केतु बोला गया है। तो खुद ब खुद उनको जगह मिल गई और वो बुध के साथ जो नेकी का मालिक है, खाना नंबर 6 में। अभी जन्म कुंडली में देखिए तो खाना नंबर 6 में जो राशि बुध की है, लेकिन पक्का अगर केतु को मुकर्रर कर दिया गया है। और खाना नंबर 12 जो राशि बृहस्पति की है, वहाँ पे राहु को आसमान में पक्के घर खाने का मालिक बनाया गया है। इसलिए पंडित जी ने लिखा कि खुद ब खुद उनको जगह मिल गई है। और जो तमाम खाना नंबर 12 आसमान के साथ जो तमाम आकाश और जो ब्रह्मांड है, वहाँ पे बृहस्पति और बुध दोनों मुश्तरका का नतीजा में हो बैठे। क्योंकि खाना नंबर 6 जो है वो 12 नंबर घर को देखेगा, तो वहाँ पे जो बुध है और बृहस्पति है, दोनों राशियों के अलग अलग मालिक है, तो वहाँ पे दोनों जो है मुकर्रर कर दिए गए हैं। वहाँ पे इनको नेकी और बदी के नाम से याद किया जाता है। केतु जो है वो नेकी का कारक है और राहु बदी का कारक है। और इस इलम में वो पाप के नाम से मशहूर है। इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो राहु और केतु है वो पाप है, और जो राहु, केतु और शनि है वो पापी ग्रह है। आगे पंडित जी ने ग्रहों की विभिन्न विभिन्न हालतें बताई हैं कि ग्रह की हालत क्या होगी। तो उसमें ग्रह की हालत को समझने के लिए एक चार्ट दिया गया है। अगर आप चार्ट को एक दो बार समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसमें जैसे पक्का खाना, पक्का ग्रह बृहस्पति दिया गया है, जो कि दिन का पहला हिस्सा है। दिन चढ़ने से 2 घंटे पहले जो समय होता है वो, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पक्के हालत के ग्रह कैसे हैं। जब दिन चढ़ जाता है तो उसका पहला हिस्सा बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति जो है वो दिन गुरु सुबह 8 बजे तक होता है, सूर्य निकलने से लेके 8 बजे तक वो पहला हिस्सा गुरु को माना गया है। और हफ्ते में जो दिन होता है उनका गुरुवार होता है। इसी तरह जो दूसरा ग्रह पक्का माना गया है वो है सूर्य। इसका दूसरा हिस्सा होता है जो कि गुरु के बाद शुरू होता है, यानी कि 9 से लेकर 10 के बीच में, यानी कि 8 बजे से लेकर 8:15 से लेकर 9:30-10 बजे तक का हिस्सा जो सूरज का होता है, 10 बजे तक का, उसका दिन होता है इतवार, रविवार। उसमें आगे दिया पंडित जी ने कि चंद्र जो है वो दिन में, वो उसकी जो अशियन, उसकी जो विभिन्न हालतें दी गई हैं वो दी गई हैं कि सोमवार का दिन होता है और चांदनी रात होती है। अब देखिए, रात में जब आप देखेंगे तो उसमें जब भी चांदनी रात होगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब ये समय चंद्र का चल रहा है। तो पंडित जी ने दिन बताया कि चांदनी रात जो है वो चंद्र से रिलेटेड है। वैसे चंद्र का जो समय माना जाएगा वो सुबह सूर्य के बाद का माना जाएगा, क्योंकि 10 से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि पंडित जी ने यहाँ पे समय 10 से 11 दिया और साथ में चांदनी रात इसलिए दी है क्योंकि जब सूर्य निकल आता है 9 से 10 के बीच में और जब चंद्र का समय स्टार्ट होता है 10 से लेकर 11 बजे के बीच में, तो चंद्र आपको कहीं नज़र नहीं आएगा सूर्य की रोशनी में। समय चंद्र का वही रहेगा, लेकिन
उसको दूसरी जगह मुकर्रर कर दिया है कि जो जो चांदनी रात होगी जहाँ पे चंद्र संपूर्ण होगा पूरी तरह से अपनी रोशनी बिखेर रहा होगा वो चंद्र का असली समय माना जाएगा। लेकिन रूटीन वर्क में काम करने के लिए आप चंद्र का समय 10 से 11 बजे ले सकते हैं, तो दिन होगा सोमवार। उसके बाद पंडित जी फरमान करते शुक्र के लिए, शुक्र के लिए भी इसी तरह उन्होंने बोला है कि जो शुक्र का समय होगा वो होगा 1 से लेकर 3 बजे तक का, जिसमें तारे नज़र नहीं आएंगे क्योंकि शुक्र जो है वो चमकता हुआ सितारा है, वो सूर्य की रोशनी में नज़र नहीं आएगा, इसलिए उसको शुक्र को शुक्रवार का दिन दिया गया है और काली रात दी गई है। ऐसी काली रात है जिसमें आपको दूर से ही दिखाई दे दे कि सितारा, वो जो सितारा चमक रहा है वो शुक्र का हो, वो समय भी शुक्र का होगा। उसके बाद पंडित जी ने दिया है मंगल नेक और मंगल बद, मंगल नेक और मंगल बद को मंगलवार का दिन ही दिया गया है, लेकिन समय जो दिया गया है वो पक्की दोपहर का दिया गया है, जिस वक्त सूर्य बिल्कुल पीक पे होता है वो होता है समय 11 से लेकर 1 बजे का, जिसमें सूर्य बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत रोशनी तेज होती है, तो 11 से 1 का समय मंगल को दिया गया है। उसके बाद आता है बुध नेक और बुध बद, यानी बुध अच्छा और बुध बुरा, तो इसका बुधवार का दिन रखा गया है और समय रखा गया है शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, जब शुक्र का समय ख़त्म होता है 1 से 3, उसके बाद बुध का समय शुरू होता है 4 से लेकर 6 बजे तक। इसके बाद दिया गया पंडित जी ने आगे फरमान करते हैं कि पक्का ग्रह शनिवार का, और दिन में उसका हफ्ते में दिन होगा शनिवार, और तमाम सारी रात और अंधेरा दिन। देखिए तमाम सारी रात जो काली रात होती है, तमाम सारी रात हम देखते हैं आज की दुनिया में भी, तो वहाँ पे शनिचर का राज है, अंधेरे को शनिचर बोला गया है, ठीक है। लेकिन अंधेरा दिन क्यों बोला गया? अंधेरा दिन इस तरह से कि जब सुबह 4 से लेकर 5 बजे तक जब आपको तारे, जब तक आपको तारे दिखाई दे रहे हैं तब तक शनिचर का समय रहेगा। जब धीरे धीरे तारे गुम होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि रोशनी शुरू हो जाएगी, तब केतु का समय शुरू हो जाएगा। इसलिए पंडित जी ने वहाँ पे बोला कि अंधेरा दिन जो कहते हैं तारों की छाँव में डोली जाती है किसी भी लड़की की शादी के बाद, तो इसीलिए जाती है कि वहाँ पे शनिचर जो है वहाँ पे चेंज हो रहा होता है, आगे केतु का समय शुरू होना होता है, इसलिए बोलते हैं कि केतु के समय से पहले पहले लड़की को विदा कर दिया जाए। और आगे पंडित जी फरमान करते हैं राहु के लिए वीरवार की शाम। वीरवार की शाम इसलिए बोला गया कि राहु को जो है आसमान दिया गया है और वहाँ पे बृहस्पति की मीन राशि पड़ती है, इसलिए वीरवार की शाम, शाम का समय इसलिए दिया क्योंकि इनको कोई पक्की जगह नहीं मुकर्रर की गई, तो आसमान में है, इसलिए राहु को जो समय दिया गया है कि जब सूर्य का दिन छुप जाएगा और शनि का समय शुरू होने से पहले, जिसमें जो कि पक्की शाम बोलते हैं, सूर्यास्त के आधे घंटे बाद, सूर्यास्त जब होगा तो उससे 10-15 मिनट से, और सूर्यास्त के इमीडिएट बाद से लेकर के जब तक तारे नहीं निकलते तब तक का समय जो है वह राहु का होगा। और केतु नेक और केतु बद इतवार का दिन दिया गया है इनको, तो इसके लिए सुबह शादी का समय दिया गया है, सुबह सवेर, मतलब आप जब सुबह तारे छुपने शुरू हो जाएं और उसके बाद जो है दिन आपको अंधेरा दिन उसको बोलते हैं, जैसे दिन भी है और अंधेरा भी है, अंधेरे के बाद जो दिन स्टार्ट होता है, तो केतु को भी दिन चढ़ने से 2 घंटे पहले का समय दिया गया। तो ये पंडित जी ने इस इलम के हिसाब से जो दिन दिए हैं वो फरमान नंबर 6 में जो ग्रहों कुंडली में ग्रहों के पक्के घर और ग्रहों की विभिन्न हालतों में दिया है। इसको बहुत ही खूबसूरती से समझने की कोशिश की है हमने पंडित जी के आशीर्वाद से, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें मैंने कोशिश की है कि इसको कि आराम से बताने की और सिंपल तरीके से बताने की, ताकि आपको जल्दी समझ लग जाए। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितनी भी बाकी इसके आगे फरमान आएंगे वो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कर भला तो होगा भला, अखीर भले का भला। धन्यवाद जी।